कुमार सिंह और आज का टॉपिक है रियल नंबर। हम लोग रियल नंबर के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था और आज इसके आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में हम लोग देख रहे थे। कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है इसके बारे में थोड़ा बहुत सीखे थे, आज और देखेंगे। और जैसा कि आप लोगों का ये बुक में दिया है जैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, हमने बताया था कि जो भी रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे अगर वो जीरो और वन के बीच में नहीं हो तो, और वन से लेस देन कोई भी नंबर या कोई भी फ्रैक्शन वन से छोटा कम होता है जब उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि 7/8 का जो वैल्यू होगा वो मस्ट बी वन से छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर जब ग्रेटर होता है तो वैल्यू वन से छोटा होता है। अगर इसी को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पर तो हम लोग को ये पता हो गया कि जो भी इसका वैल्यू होगा वन से छोटा होगा, और चूंकि ये जो रैशनल नंबर है ये पॉजिटिव है तो जीरो से बड़ा होगा, यानी कि इस नंबर का वैल्यू जीरो और वन के बीच में आएगा। तो जो भी ग्राफ होगा जीरो और वन के बीच में ही इसका जो वैल्यू आएगा वो ग्राफ करेंगे, और चूंकि ये एट है डिनोमिनेटर तो एट पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके बाद काउंटिंग करेंगे। और यहाँ जो नंबर आएगा वही हो जाएगा 7/8। तो जो भी वैल्यू आएगा वो तो हम लोग समझ गए कि जो डिनोमिनेटर होगा अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो जीरो और वन के बीच में वैल्यू आएगा, बट इस कंडीशन में हम लोग नहीं जानते हैं कि कहाँ वैल्यू जाएगा क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करते हैं तो कितना आएगा 16/19 ऐसे होगा। तो हमने बताया था कि ये जो है ये कंप्लीट नंबर है 2, तो जो 19/8 का वैल्यू होगा उसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो इतना आया, यानी कि जो दो ये 2 जो है कंप्लीट वैल्यू है। यानी कि एक बात पता हो गया कि जो 19/8 का वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में ही आएगा, यानी कोई अगर नंबर है 2 और 3 के बीच में आएगा क्योंकि कंप्लीट वैल्यू आपको मिल गया 2, तो जो नेक्स्ट कंप्लीट वैल्यू होगा वो 3 होगा और 2 और 3 के बीच में ही 19/8 का वैल्यू आएगा। समझ गए होंगे। इसी प्रकार 23/6 है, इसको भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हो जाएगा 23/6 का जो भी वैल्यू होगा तो कंप्लीट 3 मिला और इधर कंप्लीट मिल जाएगा 4, यानी कि 3 और 4 नंबर के बीच में ही 23/6 का वैल्यू मिलेगा। तो जो भी हम लोग प्लॉट करेंगे 3 और 4 के बीच में ही 23/6 का वैल्यू मिलेगा। इसी प्रकार ये भी होगा और वो माइनस में है फिर इसको हम बताते हैं।
प्लॉट करते हैं, आपका ये है, हमने इसको किया था और ऐसा है, तो जो भी वैल्यू है टू और थ्री के बीच में आएगा, क्योंकि कंप्लीट टू है, हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका जीरो, यहाँ हो जाएगा वन, यहाँ हो जाएगा टू, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये पता होना चाहिए कि जो भी नंबर लाइन पर जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नंबर को, सिमिलर सिमिलर प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बट यहाँ स्पेस कम होने की वजह से टू और थ्री को थोड़ा हम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए हो, क्योंकि इसको एडजस्ट करना है। अब काउंटिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग जान गए कि जो भी वैल्यू आएगा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किए, कंप्लीट टू आया और ये आंसर होगा, यानी कि टू और थ्री के बीच में वैल्यू आएगा। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फर्दर, इसका डिनोमिनेटर एट है, एट पार्ट में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट पार्ट में हो गया। अब देखते हैं एट पार्ट में जो डिनोमिनेटर है, एट पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, अब इसका डिनोमिनेटर देखते हैं, थ्री है, काउंटिंग करते हैं, वन टू थ्री, यानी कि यहाँ जो मिलेगा इसको मान लेते हैं पी, और ये पी कितने की इक्वल हो जाएगा, 19/8, जो ओरिजिनल आपका जैसा नंबर दिया है वही लिखेंगे, हो गया सिमिलर। फिर से बता देते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कंप्लीट आएगा, उसके नेक्स्ट वाले देख लो कंप्लीट टू आया, उसके नेक्स्ट थ्री हो जाएगा, दोनों के बीच में जो नंबर होगा और जो न्यूमरेटर होगा उसको उतने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और इसका जो न्यूमरेटर होगा वो काउंटिंग कर लेंगे, थ्री है, वन टू थ्री, ऐसे ही आएगा। एक जो क्वेश्चन आप लोग अपने से खुद से बनाइएगा तो और समझ में आएगा, इसको देखते हैं। ये तो हो गया, सेकेंड नंबर देखते हैं, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया था तो आया था इतना, इसे पता हो गया कंप्लीट थ्री है, यहाँ कंप्लीट फोर, यानी कि जो भी नंबर है नंबर लाइन पर थ्री और फोर के बीच में ही होगा। देख लेते हैं, यहाँ जीरो, यहाँ वन टू थ्री और यहाँ फोर लेते हैं, क्योंकि थ्री और फोर के बीच में आया, इसका डिनोमिनेटर सिक्स है, सिक्स पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पार्ट में हो गया, काउंटिंग करते हैं, जो डिनोमिनेटर है फाइव, सिक्स पार्ट में डिवाइड करने के बाद में जो इसका डिनोमिनेटर है फाइव है, तो फाइव काउंटिंग करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और ये जो मिला यही आपका ओरिजिनल 23/6 आया होगा समझ में, आप लोग खुद से बनाइएगा और ज्यादा समझ में आएगा। वो है इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में परिचित करेंगे, तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन में नहीं दिखाई दे रहा डेसिमल में, तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो माइनस 24/10 हो जाएगा, और इसको फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ऐसा होगा, ठीक है। ये कंप्लीट माइनस टू है, जिसके फर्दर क्या हो जाएगा, कंप्लीट माइनस टू है तो माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में होगा, माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में होगा, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यह हो जाएगा आपका जीरो, जीरो से लेफ्ट वाला टोटल माइनस होता है, माइनस वन माइनस टू, और यहाँ हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा माइनस थ्री, इसका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पार्ट में डिवाइड करेंगे, वन टू
5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट हो गया। कितना है न्यूमिनेटर? माइनस फोर तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, यानी ये जो आया P इज इक्वल टू -24/10। ये था समझने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, आप लोगों को समझ में आया होगा। और चूंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज प्रैक्टिस कीजिए आप लोग जो बताया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे।